नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। ये वीडियो जो विंडो फेवराइजेशन वाला वीडियो था उसका पार्ट 2 है, और इसमें हम देखेंगे कि कुछ पर्सनलाइज सेटिंग्स कौन कौन सी हैं और उनको कैसे आप सेट कर सकते हैं, थीम कैसे सेट कर सकते हैं, कलर्स कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो यहाँ हम पहले पर्सनलाइज में कौन कौन सी सेटिंग है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड की। तो अभी जैसे बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे हैं पहले से, तो आपको पर्टिकुलर एक पिक्चर लगानी है। तो आप जैसे ये मैंने पिक्चर अभी सेलेक्ट किया हुआ है, फिर इसका जो ये पिक्चर है फिट कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फिल कर दिया तो ये डिज़ाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो स्क्रीन का जो लेआउट है उस पर ये कैसे शो करना चाहिए, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगा, आपका डिज़ाइन आ जाएगा। देखिए अभी मेरे स्क्रीन पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बात आती है इसके अलावा, देखिए यहाँ पे साइड के बैकग्राउंड भी हैं। यदि आप यहाँ पे फिल करते हैं तो पूरी स्क्रीन पे फिल हो जाएगा। उसके बाद में कलर्स आते हैं, जैसे ये पीछे आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर दिख रहा है, ऐसे ये कलर्स कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से कलर्स पे जाइए और यहाँ से आपको ऑप्शन आते हैं कलर्स। देखिए विंडो कलर, अब आपको यहाँ पे एक तो थीम आती है, देखिए दो कलर थीम है, लाइट और डार्क। यदि आप ये लाइट और डार्क करते हैं तो अपने आप विंडो क्या करती है, अपने आप ऑटोमेटिक थीम चेंज करती है। जैसे मैंने डार्क सेट किया, सभी चीज हो जाएंगे। जब भी आपको अभी बैटरी का ज़्यादा इशू आ रहा है, बैटरी कम है, तब ऐसी आप थीम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम सबसे बढ़िया है, जिसमें आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन के मोड सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ये डार्क है, विंडो डिफॉल्ट मोड क्या है, डार्क है, और डिफॉल्ट ऐप मोड क्या है, ये भी डार्क है। तो आप जो भी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लाइट कर दिया, बाकी को डार्क कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑफ करना है या ऑन करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे बात आती है असेंट कलर की, ठीक है। तो कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसा कलर आपको चाहिए। ओके, तो हमने ये चेंज कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये आ रहा है लोगो, ठीक है। ऐसा ही कलर था पहले, जो हमने चेंज किया था उससे पहले ऐसा ही कुछ सेटिंग था। तो यहाँ से आपको ये सेटिंग्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में और भी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें हैं, थीम हैं, आप अलग अलग थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी अलग अलग थीम हैं। यदि यहाँ पे नहीं है थीम, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप और थीम भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉन्ट की कुछ सेटिंग होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको दिखने में थोड़ी मतलब ज़्यादा इनका आई साइट नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने फॉन्ट अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए जो फॉन्ट आपको बढ़िया लग रहा है वैसे ही फॉन्ट में आपकी पूरी विंडो कस्टमाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट मेन्यू में शो होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब सेटिंग यहाँ से आती है। टास्क बार के कुछ ऑप्शन जो हमने यहाँ पे बात की थी, कि यहाँ पे ये कुछ टास्क बार जो है, यहाँ पे कुछ आइकन्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, या चीज़ें यहाँ पे सेटिंग है। टास्क बार की सेटिंग हम यहाँ से भी एक बार देखेंगे अभी, और उससे अलावा यहाँ पे सेटिंग में भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। ओके, अब बात करते हैं कि टास्क बार सेटिंग के बारे में। तो टास्क बार की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए टास्क बार पे, और उसके बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन ऊपर से देखते हैं टूल बार। एक टूल बार का मतलब क्या है, ये जो टास्क बार है इसमें आप एक टूल बार भी ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीके की। जैसे एड्रेस बार, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड्रेस बार, तो यहाँ पे देखिए एक एड्रेस बार आ गई है। अब आप यहाँ इस एड्रेस बार में डायरेक्ट कोई भी एड्रेस टाइप करिए, तो वो जो एड्रेस है वो क्या होगा, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आप जब भी नेट सर्फ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले ब्राउजर ओपन करो, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ें टाइप करो और फिर वो चीज़ आती है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस बार में डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करिए और ब्राउजर अपने आप ओपन हो जाएगा। मतलब ये एक टाइप का आपको शॉर्टकट टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी सेट करना है वो सेट कर दीजिए और ओके। ये एक ही बार करना पड़ेगा, जो डिफॉल्ट ब्राउजर सेट नहीं किया तो ऐसे पूछेगा, यदि है सेट तो डायरेक्ट उस ब्राउजर में उस होम पेज को खोल देगा। देखिए अभी यहाँ पे एड्रेस पे www.google.com हमने टूल बार में टाइप किया था, वो अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे क्या है, टूल बार का यूज़ है। अभी इसको हम हटा दे रहे। इसके अलावा इसमें और भी है, डेस्कटॉप का आपको बटन चाहिए। जैसे यहाँ पे एरो था जो डेस्कटॉप आपको, जैसे डेस्कटॉप शो करता था, वैसे ही यहाँ पे आप टास्क बार में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर सर्च जो बॉक्स है वो हिडन करना है या शो करना है, सर्च बॉक्स कौन सा है, ये वाला,
ये वाला जो सर्च बॉक्स है ये आपको हिडन करना है, या आपको इतना बड़ा ये बॉक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आइकन आइकन चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, देखिए सर्च में आ रहा है, और यहाँ पे शो सर्च आइकन आइकन कर देता हूँ मैं। अभी देखिए वो इतना बड़ा बार नहीं आ रहा, सिर्फ आप क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और तो उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो आप ये आपकी सेटिंग्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, कोर्टाना बटन शो करना है कि नहीं करना है, टास्क व्यू बटन, टास्क व्यू बटन कौन सा, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आपको करना है कि नहीं करना है। तो आप ये ऐसे क्या कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। के बाद में अब बात करते हैं कि टास्क व्यू क्या ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए एक टास्क व्यू ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं पहले, तो यहाँ पे जितनी टास्क चल रही है वो यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में भी जितनी भी टास्क चल रही है वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा जब भी आप टास्क व्यू पे बटन पे, कई बार क्या होता है, मेरे कंप्यूटर अभी मैंने यूज किया और मैं कहीं चला गया, और कोई आदमी यहाँ पे आया और उसने भी इसमें कोई काम किया और फिर वो बंद करके चला गया, अब मुझे पता ही नहीं उसने क्या किया। तो आप सिंपल सा, यदि उसको नहीं पता है उसने यहाँ से डिलीट नहीं किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने क्या क्या चीजें ओपन की हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, जो जो चीजें आपने अभी इस कंप्यूटर में चलाई हैं, जैसे अभी ये दो टास्क ओपन है, उससे पहले यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्या है ओपन हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, न्यू डेस्कटॉप का, इसका मतलब क्या है हम ये देखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करिए, न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप वन और डेस्कटॉप टू, दो डेस्कटॉप आ गए। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्रीन जो थी ये, जहाँ पे ये दो एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, और दूसरी स्क्रीन जो है, जैसे यहाँ पे हम दूसरे डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब जब भी आपको कभी ऐसी कोई इश्यू आता है कि आप अलग अलग चीजों को अलग अलग रखना चाहते हैं, जैसे एक टास्क है जिसमें मैं अपनी ब्राउजर से काम ओपन करके रखा हूँ, एक मैं डेस्कटॉप बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे फाइल्स, मैंने वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट, ये अपना ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप क्या करें, अलग अलग कंप्यूटर के साथ में अलग अलग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं। ये क्या वर्चुअल डेस्कटॉप है, कि जैसे इस डेस्कटॉप है आपको, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि दूसरे डेस्कटॉप में क्या चल रहा है, और यदि दूसरे डेस्कटॉप पे आप आ गए तो पहले वाले डेस्कटॉप में क्या चल रहा है वो पता नहीं चला, ठीक है। ओके, तो ये थी विंडो 10 की कुछ सेटिंग्स और कुछ फैमिलाइजेशन हमने किया है। बाकी जो चीजें कोर्स जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे बीच में आएंगी, उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है, जो फर्स्ट वाले अपने एप्लीकेशन है एमएस वर्ड के बारे में। ओके, थैंक यू।